गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी बच्चे अपने घर पर अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को हिंदी टू का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यहाँ आप लोग देखिए, भाषा और व्याकरण, पाठ का क्या नाम है? भाषा और व्याकरण। इसमें सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे। पहले है भाषा, भाषा की परिभाषा को जान लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को समझते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि भाषा क्या है, ठीक है? भाषा एक साधन है, भाषा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को, हमारे मन में जो विचार है, बातें हैं, उसको हम दूसरे तक पहुँचाना है तो इसके लिए हमें एक साधन की आवश्यकता होती है, वो साधन है भाषा। तो इसके द्वारा हम अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचार को समझते हैं। ये दो प्रकार से हम अपने विचार को पहुंचा सकते हैं दूसरे तक। पहला है लिखित मौखिक रूप में और दूसरा है लिखित रूप में, ठीक है? तो अब हम जानते हैं भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। फर्स्ट है आपका मौखिक भाषा और नेक्स्ट लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मुख से जो कुछ बोला और कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। मुंह से हम जो कुछ बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, ये भाषा का मौखिक रूप होता है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लिखित भाषा। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। जो कुछ लिखते हैं, जब हम लिखते हैं, लिख करके अपने भाव को, विचार को प्रकट करते हैं और दूसरे के भाव को हम पढ़ कर ग्रहण करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उससे हमें बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। और जैसे हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के दौरान हम अपने विचार को बोल कर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचार को सुनते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप होता है, ठीक है? तो अब हम आते हैं यहाँ लिपि में। लिपि क्या होता है, लिपि को जान लेते हैं। लिपि का अर्थ क्या है, लिपि से आप क्या समझते हैं? जैसे कि जब हम कोई भाषा को लिखते हैं, भाषा जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, तो ये सब भाषा को जब हम लिखते हैं तो इन भाषाओं को लिखने के लिए हमें कुछ ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है और ये ध्वनि चिन्ह जो होती है वही लिपि होता है। जैसे हम हिंदी को लिखते हैं, हिंदी को लिखने में हमें एक चिन्ह की आवश्यकता होती है और इनको हम क्या कहते हैं कि देवनागरी लिपि। जब हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। और अंग्रेजी जब हम लिखते हैं उसमें हम ABCD यूज़ करते हैं A to Z को, तो ये रोमन लिपि हो जाती है। तो भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं, ठीक है? अब आते हैं बोली। बोली क्या होता है, बोली का अर्थ क्या है, बोली से आप क्या समझते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हर क्षेत्र में हम जैसे हिंदी बोल रहे हैं और लेकिन जब हम क्षेत्र वाइज जब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो यही हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो जैसे इस क्षेत्र में हम कुछ अलग ढंग से बोल रहे हैं, फिर दूसरे क्षेत्र में हम अलग ढंग से जानते हैं, तो ये भाषा के जो क्षेत्रीय रूप होते हैं उसे बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी एक क्षेत्रीय भाषा है। ब्रज भाषा का उपयोग करते हैं, वहाँ हिंदी ही बोलते हैं लेकिन इसका कुछ अलग रूप हो जाता है, तो ये लिपि हो जाती है, बोली हो जाती है। अब मातृभाषा क्या है? बच्चे अपने परिवार से और माता से जो भाषा सीखते हैं वो मातृभाषा होती है। बचपन में जब बच्चे अपने माँ से हिंदी सीखते हैं तो उसकी भाषा मातृभाषा हिंदी होती है। अगर जैसे बाहर में, जैसे अमेरिका में आप देखिएगा कि बच्चे बचपन से ही इंग्लिश बोलना सीखते हैं क्योंकि वहाँ वो बच्चे अपने परिवार में माता से और अपने परिवार के अन्य सदस्य से इंग्लिश ही बोलना सीखते हैं, तो वहाँ की मातृभाषा इंग्लिश हो जाती है। और लेकिन हमारे देश में हम लोग जैसे कि बचपन से हिंदी बोलते हैं, हिंदी ही सीखे हैं, तो हमारी मातृभाषा हिंदी हो जाती है। अब आते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना तथा बोलने की नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप सब इन सभी परिभाषाओं को अच्छे से याद कर लेंगे और इसे समझने के लिए आप वीडियो को बार बार देखें ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाएँ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।